What's up everyone? Welcome back to the channel. अब समय आ चुका है जब हमें केस स्टडीज प्रैक्टिस करनी है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग की केस स्टडीज. तो आइए देखते हैं एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज केस स्टडीज आई कैन अश्योर यू कि आप पूरे 41-40 लेके आ सकते हो. तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं केस स्टडीज के साथ. बहुत ध्यान से देखना और बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपका स्टाफिंग और डायरेक्टिंग. फिर कल की बात कल करेंगे. लेट्स बिगिन. चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले सवाल के साथ और स्टाफिंग की केस स्टडीज करेंगे. उसके बाद फिर कुछ मिक्सचर ऑफ केस स्टडीज करेंगे. सबसे पहले आपको केस स्टडीज में हमेशा ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप सवाल पूछना क्या चाह रहा है. तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है द अबव डिस्कशन इज इंडिकेटिंग एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अब देखो आप क्या कर रहे हो, आपके एग्जाम में तीन फंक्शंस आ रहे हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो आपको वहां आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से फंक्शन की बात हो रही है, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की या कंट्रोलिंग की. नेम दैट फंक्शन and the management function identified in part A follows a particular process. वो process को explain करना है आपको और आपको last step बताना है उस process का. ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है. Zenith Limited is a highly reputed company, एक बढ़िया company है and many people wanted to join this company. Reputed है तो लोग join करना चाहेंगे obviously. The employees of this organization are very happy and they discuss how they came in contact with the organization. अमन सेड ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंट सेल्स मैनेजर. अमन ने बोला कि मुझे किसने इंट्रोड्यूस किया था, हमारे जो प्रेजेंट सेल्स मैनेजर है उसने इस कंपनी के बारे में बताया था. बेनू सेड दैट ही हैड अप्लाइड थ्रू द न्यूज़पेपर. बेनू ने न्यूज़पेपर के थ्रू अप्लाई किया था एंड वॉज अपॉइंटेड एज द HR मैनेजर. वैभव सेड दैट ही वॉज नीदर रिलेटेड टू एन एम्प्लॉई. वैभव किसी एम्प्लॉई के द्वारा नहीं लाया गया और ना ही उसने कोई एडवर्टीजमेंट देखा. Even then, he was directly called from IIM Ahmedabad. वो उसको कॉलेज से कॉल आया जहाँ से उसने अपना MBA किया था कि हाँ हमारे पास कंपनीज आई हुई हैं और आपके लिए जॉब हो सकती है. अब आपको बोल रहा है था अबव डिस्कशन इज इंडिकेटिंग एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सब अपने अपने जॉब्स के बारे में बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि मुझे ऐसे अपॉइंट किया गया, मुझे ऐसे अपॉइंट किया गया. तो सब जगह रिक्रूटमेंट की बात हो रही है. तो कौन से फंक्शन में रिक्रूटमेंट आया था, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में या कंट्रोलिंग में? Obviously स्टाफिंग में, राइट? अच्छा, तो हम यहाँ इंडिकेट कर देंगे कि जो अबव फंक्शन डिस्कस किया गया है वो है स्टाफिंग. द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए फॉलोज अ पर्टिकुलर प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करा जा रहा है, यहाँ पे हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अलग अलग लोग यहाँ पे इनको जॉब्स मिल रही हैं. तो क्या बोल सकते हैं हम रिक्रूटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे. अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फॉलो द पर्टिकुलर प्रोसेस, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ द प्रोसेस विच इज बींग डिस्कस्ड. ये तो हमने बात करी ली कि रिक्रूटमेंट की बात हो रही है और रिक्रूटमेंट में किस तरीके से अलग अलग रिक्रूटमेंट हुए हैं, कौन कौन से सोर्सेज यूज करे गए हैं. देखो सबसे पहले अमन ने बोला कि उसको अभी वाले सेल्स मैनेजर ने फर्दर रिकमेंड किया था. तो दिस इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज. जब कोई पुराना एम्प्लॉय किसी और की बात करता है तो उसको रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलते हैं. उसके बाद बेनू ने बोला कि उसने न्यूज़पेपर में अप्लाई किया था, इसको हम क्या बोलते हैं, उसने कहाँ से देखा, एडवर्टीजमेंट देखा न्यूज़पेपर में, मीडिया एडवर्टाइजिंग. उसके बाद वैभव ने बोला कि वो तो कॉलेज से ही अपॉइंट कर लिया गया था. कॉलेज से होता है तो उसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट, राइट? तो देखो क्या आंसर लिखना है, कैसे लिखना है. आंसर बिल्कुल एज इट इज लिख के आना है. द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड इज स्टाफिंग. उसके बाद द स्टेप इन्वॉल्व्ड इज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट है, देन रिक्रूटमेंट को एक लाइन में डिफाइन कर देना. इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स. अच्छा, द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मेंशनड अबव आर अमन का रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बेनू का मीडिया एडवर्टाइजिंग और वैभव का कैंपस रिक्रूटमेंट. इस तरीके से आपको आंसर्स लिख के आने हैं. समझ रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज डिस्कस्ड. जैन टायर्स हैज सम वेकेंट पोस्ट इन देयर कंपनी. इन ऑर्डर टू फिल द सेम इट अडॉप्टेड अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. उनके पास बहुत सारे लोग हैं, उसमें से वो बेस्ट पर्सन को चूज कर रहे हैं इस टाइम. मतलब वो अब इंड्यूस नहीं कर रहे, मोटिवेट नहीं कर रहे, उनके पास हैं बहुत सारे लोग, अब वो उसमें से चूज कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं. कंडक्टेड मैनी स्टेप्स, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स करे जैसे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट. थ्रू दीज स्टेप्स ही सिलेक्टेड द पर्सन आउट ऑफ मैनी स्टेट्स, यूपी, दिल्ली, गुजरात, बहुत जगह से करा. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज बींग डिस्कस्ड.
सबसे पहले कौन से फंक्शन की बात हो रही है, तो स्टाफिंग की बात हो रही है। नेम द स्टेप्स ऑफ द फंक्शन विच इज कंसिडर्ड अबव, कौन सा स्टेप है जो प्रोसेस में से जो ऊपर कंसिडर करा गया है। तो सबसे पहला होता है हमारे पास एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसकी बात नहीं हो रही है। रिक्रूटमेंट, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है सेलेक्शन की, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है इट अडॉप्टेड अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। बहुत सारे लोग थे, उसमें से बेस्ट को चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेलेक्शन की बात हो रही है। तो आंसर क्या आएगा, सेलेक्शन इज द स्टेप ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसिडर्ड अबव। सेलेक्शन की उसके बाद डेफिनेशन लिख दी, इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ कैंडिडेट्स डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सेलेक्शन इज डन थ्रू सेलेक्शन प्रोसेस विच इंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट अमंग द अवेलेबल। आइडेंटिफाई द वैल्यूज, वैल्यूज अब आजकल आती नहीं है तो वैल्यूज का कोई गाम नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। कितने सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़े हैं आपने, दो, इंटरनल एक्सटर्नल। तो कौन सा सोर्स यहाँ पे यूज करा गया है ये देखना है हमें। इट इज द कस्टम ऑफ अ कंपनी टू अवॉइड टू से नो टू एनी पर्सन हु अप्रोचेस इट फॉर अ जॉब। कंपनी में अगर कोई जॉब के लिए बोलता है तो कंपनी नो नहीं करती है, रादर इट गेट्स हिज एप्लीकेशन एंड टेल्स हिम दैट एज एंड व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड हिज सर्विसेज ही विल बी कॉल्ड अप। उसका एप्लीकेशन रख लेती है और बोलती है जब रिक्वायर्ड होगा आपको बुला लेंगे। इन दिस वे कंपनी एक्वायर्ड अ डेटा बेस, कंपनी के पास एक पूरी लिस्ट है, एक डेटा है। इट्स एडवांटेज इज दैट एट द टाइम ऑफ नीड ऑफ अ कैंडिडेट आउट ऑफ द डेटा बेस कैन बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, दस द कंपनी सेव्ड फ्रॉम एक्सपेंसिज ऑन एडवर्टीजमेंट। एक्सपेंसिज ऑन एडवर्टीजमेंट से बच जाती है कंपनी। कंपनी के पास पहले से डेटा होता है, उस डेटा में जितने भी लोग होते हैं उन्हें फटाफट से कॉल कर लेती है कंपनी और बुला लेती है। कौन सा सोर्स है, इंटरनल तो नहीं है, है तो सब बाहर वाले ही, बाहर वालों को ही कॉल करके बुलाएगी, लेकिन एक लिस्ट बनी हुई है, वेटिंग लिस्ट जहां पे बनी होती है उसको कौन सा सोर्स बोलते हैं, कैजुअल कॉलर्स। यहां पे आंसर आना चाहिए कैजुअल कॉलर्स। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच इज मेंशन्ड इन द अबव केस इज कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, ये 2 मार्क के लिए छोटा क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है। अब नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। द जनरल मैनेजर ऑफ डीजी लिमिटेड वॉज एड्रेसिंग एम्प्लॉयज ड्यूरिंग एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम होता है जब एम्प्लॉयज को अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, तो एड्रेस कर रहा था जनरल मैनेजर एम्प्लॉयज को। ही स्ट्रेस्ड दैट द एम्प्लॉयज शुड मेक ऑल द एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू के लिए काम करना चाहिए। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव दे शुड इंक्रीज देयर कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, उन्हें अपनी एफिशिएंसी, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। दे शुड ऑल्सो मेक सच एंडेवर एज टू गेट जॉब सेटिस्फैक्शन, वो इस प्रकार से आगे बढ़ें कि उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिले, उन्हें अच्छा भी लगे। नॉट ओनली दैट, इट इज इक्वली इसेंशियल that they should concentrate on minimizing the accidents. Essential तो है ही, और उससे accidents का chances भी minimize होंगे, कम से कम हो जाएंगे। तो कौन से concept की बात यहाँ पे हो रही है, कौन सा ऐसा concept है जो आपको बोलता है कि employees empower हो, employees grow करें, उनके accident भी ना हो, accidents भी minimize हो। ये एक advantage है training का। Training का एक advantage था कि trained employee का कम से कम एक्सीडेंट होता है। तो यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्टाफिंग के तीन ही तो एलिमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो तीनों में से किसी एक पे ही क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे ट्रेनिंग पे बन रहा है। क्या आंसर आएगा, द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड देम विद एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज सो दैट देयर एबिलिटीज कैन बी यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। क्वेश्चन नंबर 5, फिर से छोटा क्वेश्चन। एन अकाउंटेंट इज सेंट टू लर्न द न्यू सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फास्टर एंड एक्यूरेटली। अकाउंटेंट को भेजा गया है कि नया सॉफ्टवेयर सीख के आओ, अभी नया सॉफ्टवेयर आया ऑर्गेनाइजेशन में, उसे सीख के आओ ताकि आप सब कुछ फटाफट कर पाओ। ही वॉज फर्दर सेंट टू ओरिएंटेशन, उसको ओरिएंटेशन में ही भेजा गया, टू इम्प्रूव हिज मोटिवेशनल एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, फिर से वही सेम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद आकांक्षा, निकिता एंड परिश्मा आर द ऑनर्स ऑफ अ हैंडीक्राफ्ट यूनिट इन द अर्बन एरिया ऑफ डिब्रूगढ़ इन असम विच इज इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ सीतल पत्ती ट्रेडिशनल मैट्स एंड जपी। सीतल पत्ती ट्रेडिशनल मैट्स एंड जपी, देखो ये मैट्स होते हैं और जपी होता है वो सिर पे रख के कैरी करते हैं ना, जिसमें सामान कैरी करते हैं, कुछ इस तरीके की चीज होती है। दे डिसाइडेड टू शिफ्ट, वो इस तरीके की चीजें बनाते थे।
दे डिसाइडेड टू शिफ्ट दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अ रूरल एरिया. उन्होंने कहा इस यूनिट को हम रूरल एरिया में लगाएंगे सो दैट एक तो कॉस्ट कम आएगा, खर्चा कम आएगा, और वहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी. ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ पे लोगों को काम चाहिए, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और कम पैसे में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी, कॉस्ट भी कम आ जाएगी. They follow the functional structure in the organization with a view to increase managerial and operational efficiency. Functional structure follow करते हैं, ठीक है, functional structure है. They assessed and analyzed the type and number of employees required. Very important. देखो क्या बोल रहा है? वो already क्या कर चुके हैं? They have assessed and analyzed the type and number of employees required. यानी कि ये estimate already कर चुके हैं. Estimating manpower requirement. ये already ये काम कर चुके हैं. They have already assessed and analyzed the type and number of employees required, keeping in mind that they had to encourage the women. उन्हें women को encourage करना है and the people with special needs. State the next three steps that they will have to undertake for obtaining a satisfied workforce. अगले कौन से तीन स्टेप्स होंगे? अभी वो बोलो, उन्होंने सिर्फ एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट करा है. देखो लिखा हुआ ना साफ साफ, उन्होंने एनालाइज करा और उन्हें पता है कि कितने लोग चाहिए, कंसीडरिंग कि हमें वुमेन ज्यादा चाहिए. अब इस सिनेरियो में अगले तीन स्टेप्स कौन से होंगे? अभी तो एस्टिमेट ही करा है, अगले तीन कौन से होंगे? रिक्रूटमेंट, उसके बाद जल्दी जल्दी से बताओ, रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास? सबसे पहले स्टाफिंग प्रोसेस याद होना चाहिए, तो रिक्रूटमेंट, देन सेलेक्शन, देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट ओरिएंटेशन के बाद ट्रेनिंग होगी. ठीक है, तो स्टेप्स रिक्वायर्ड आर रिक्रूटमेंट, फिर सेलेक्शन, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. इस तरीके से तीन तीन लाइन में आपको डिफाइन करके आना है आंसर को. परफेक्ट, चलो अगले सवाल पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास? सवाल क्या है? नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल या एक्सटर्नल, उसका फिर एडवांटेज बताना है. मोहित गुप्ता इज वर्किंग विद येलो सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड. ही इज ऑल्सो रिक्रूटिंग सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द कंपनी. वो कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रिक्रूट कर रहा है. द कंपनी प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज इन दिल्ली एंड नोएडा एट शॉर्ट नोटिस टू वेरियस कंपनीज. द गार्ड्स आर रिक्रूटेड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस. द गार्ड्स प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी. मोहित गुप्ता इज अ वेल नोन इन हिज विलेज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड पीपल. नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय येलो सिक्योरिटी सर्विसेज. ये बेसिकली क्या करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड्स देते हैं कंपनी के लिए और इकट्ठे, लाइक फॉर एग्जांपल आपको सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है तो आपको जाके ढूंढने की जरूरत नहीं, आप सीधा इनको कॉल करो और ये आपको इकट्ठे आठ दस गार्ड्स दे देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज कर रहे हो? इंटरनल तो नहीं है, गार्ड्स आप इंटरनली तो नहीं ढूंढोगे, एक्सटर्नली ढूंढोगे. तो एक्सटर्नली जब आपको इतने सारे लोगों की जरूरत है और आप एक ही इंसान को पकड़ रहे हो, आप इस कंपनी को बुला रहे हो और वो कंपनी आपको सारे के सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ला के दे देगी, इस तरीके की चीज क्या होती है? इस तरीके का कौन सा सोर्स होता है? क्या वो कॉलेज कैंपस रिक्रूटमेंट होता है? नहीं. क्या वो वेब पब्लिशिंग होता है? नहीं. तो ये क्या है? ये है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में भी तो ऐसा होता है कि अगर आपको कोई सामान बनवाना है, कंस्ट्रक्शन करवाना है कुछ, तो वहां आप एक बेसिक ठेकेदार को पकड़ोगे, वो सारी लेबर आपको लाके दे देगा. सिमिलरली यहां पे भी आपने कंपनी को पकड़ा और इसने आपको गार्ड्स अरेंज कर दिए बड़े आसानी से. ठीक है, इसका एक स्टेट एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस सोर्स. इसका एक डिसएडवांटेज बताना है. डिसएडवांटेज ये है कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो कि एक लेंदी प्रोसेस है, उसमें काफ़ी समय लग जाएगा. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर. इन एक्सटर्नल सोर्स ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड विच मेक्स इट अ लेंदी प्रोसेस एज वेल एज कॉस्टली. फिर वैल्यूज बतानी है, वैल्यूज का यहाँ पे खेल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8 क्या सवाल है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप्स फॉर चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट. कोई अगले 3 स्टेप्स बताने हैं, यानी कोई ना कोई प्रोसेस का क्वेश्चन आया है. क्या है जी यहाँ पे? बड़े ध्यान से देखना. सबसे पहले, निशांत द डायरेक्टर ऑफ अ गारमेंट कंपनी इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर बैग्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटीरियल फ्रॉम वन ऑफ हिज गारमेंट यूनिट्स. उसकी गारमेंट यूनिट्स हैं और वहाँ पे बहुत सारा वेस्ट मटीरियल निकलता है, तो उसने बोला हम बैग ही बना लेते हैं इस वेस्ट मटीरियल से, वैसे भी तो वेस्ट ही होगा. He has decided that his manufacturing unit set up in rural area of Odisha where people have very few job opportunities. वो उसको Odisha में set up करेगा जहाँ पे लोगों के पास कम job opportunities हैं and labor is available at a low rate. Labor आसानी से available है. He also thought of giving equal opportunities to men and women. वो men और women को equal opportunities देगा अपनी factory में. For this, he wanted 4 different heads. 4 different heads चाहिए
सेल्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, परचेज के लिए, प्रोडक्शन के लिए. सेल्स, अकाउंट्स, परचेज, प्रोडक्शन, चार हेड्स चाहिए. ही गेव एन एडवर्टीजमेंट, उसने एक एडवर्टीजमेंट दिया और शॉर्टलिस्ट करे 10 कैंडिडेट्स पर पोस्ट. 10 कैंडिडेट सेल्स के, 10 अकाउंट्स के, 10 परचेज के, 10 प्रोडक्शन के पर पोस्ट आफ्टर कंडक्टिंग डिफरेंट सेलेक्शन टेस्ट. यानी कि वो सिलेक्शन टेस्ट कर चुका है और सिलेक्शन टेस्ट के बाद उसने 10-10 शॉर्टलिस्ट कर दिए. देखो, जब भी इंप्लॉई का सिलेक्शन होता है तो पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, देन सिलेक्शन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है. अभी फिलहाल वो सिलेक्शन टेस्ट कर चुका है और 10-10 उसने शॉर्टलिस्ट करे हैं. आपको बोल रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप्स, अगले वाले 3 स्टेप्स बताओ. तो देखो, आपको क्या क्या पता चल गया था कि क्या क्या हो चुका है. एक तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो चुकी है, उसके अलावा सिलेक्शन टेस्ट हो चुके हैं. अब टेस्ट के अगले वाले 3 स्टेप्स बताने हैं. तो अगले वाले 3 कौन कौन से होंगे? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन. ठीक है, फिर आपको 2 वैल्यू बतानी है. वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है. 3 स्टेप मेन आपको पता होने चाहिए. इंटरव्यू होगा टेस्ट के बाद, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होगा, फिर सिलेक्शन डिसीजन होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. प्रशांत द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चरिंग रग्स फॉर यूटिलाइजिंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन ऑफ हिज गारमेंट फैक्ट्री. ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया. बिल्कुल सेम. इसमें कुछ नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जोसेफ ब्रदर्स, पहले मैं इसका सवाल पढ़ लूँ क्या है. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बींग परफॉर्म्ड, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करा गया है, और नेम द कॉन्सेप्ट एंड इट्स सोर्सेज यूज्ड. कौन सा कॉन्सेप्ट है और कौन सा सोर्सेज यूज करे गए हैं बाय द फर्म टू अट्रैक्ट मोर वर्कर्स. चलो सवाल पढ़ते हैं. क्या लिखा है जी हमारे पास यहाँ पे? जोसेफ ब्रदर्स इज अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग जूट लैम्प शेड्स. जूट के लैम्प शेड्स बनाते हैं. इट यूजेस लेफ्ट ओवर जूट पीसेस फ्रॉम वेरियस जूट फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिक लैम्प शेड्स विच आर सप्लाइड टू वेरियस होटेल्स इन नियर बाय टाउन्स. इसका क्या मतलब है कि ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये अलग अलग जगह पे जाते हैं जहाँ पे जूट का काम होता है, वहाँ देखते हैं कि जूट के कपड़े, छोटे छोटे पीसेस कहाँ पे बचे हुए हैं, वो लेके आते हैं, फिर उससे लैम्प शेड्स बनाते हैं और आसपास के होटल्स में सप्लाई करते हैं. ओके, इट एम्प्लॉयज मेन एंड वेमेन फ्रॉम नियर बाई विलेजेस एज वर्कर्स फॉर क्रिएटिंग गुड लैम्प शेड डिजाइंस. ठीक है, जोसेफ ब्रदर्स इज नॉट एबल टू मीट इट्स टारगेट. वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे थे. नमिश द सुपरवाइजर ऑफ द कंपनी वॉज टोल्ड टू एनालाइज द रीजन. नमिश को बोला गया, भाई साहब आप देखो कि परफॉर्मेंस खराब क्यों है. नमिश फाउंड फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टेड सर्टेन सॉल्यूशंस इन द वर्किंग ऑफ बिजनेस. नमिश को ये प्रॉब्लम्स मिली और उसने कुछ सजेशंस दिए. क्या दिए? द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड वॉज लेस देन वॉट वॉज रिक्वायर्ड. यानी कि लोगों की नीड ज्यादा है और एम्प्लॉयड कम है. एज अ रिजल्ट द एग्जिस्टिंग वर्कर्स वर ओवरबर्डन. एग्जिस्टिंग वर्कर्स जो हैं वो ओवरबर्डन है काफ़ी ज़्यादा. द फर्म डिसाइडेड टू सर्च फॉर न्यू वर्कर्स. फर्म ने बोला कि हम नए वर्कर्स ढूंढेंगे. एंड इट आस्क्ड द प्रेजेंट एम्प्लॉयज टू इंट्रोड्यूस कैंडिडेट्स. प्रेजेंट एम्प्लॉयज को बोला आप ही बता दो और अपने फ्रेंड्स वगैरह को रिकमेंड करो एंड रिलेटिव्स टू द फर्म. ठीक है, दिस इनेबल्ड द फर्म टू पुट पीपल टू जॉब्स. उसने इनेबल करा to put people to jobs and assured the attainment of objectives according to plans. ठीक है जी, तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोगों का सिलेक्शन होगा, लोगों को रिकमेंडेशन के लिए बोला जा रहा है, लोगों की स्टाफ की बात हो रही है तो स्टाफिंग तो है ही है. ठीक है, और ऊपर यहाँ पे ये दिया हुआ था कि जो भी उनके टारगेट्स थे वो दे वर नॉट एबल टू मीट इट्स टारगेट. यानी कि यहाँ पे ये चेक कर चुके हैं. मेनली तो ये स्टाफिंग का सवाल है, लेकिन अगर पूछ ले आपसे कि एक से ज्यादा फंक्शन यहाँ पे हो रहा है तो कितने फंक्शंस हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं यार. टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे, इन्होंने चेक करा है, यानी कंट्रोलिंग हो चुकी है. वो चेक कर चुके हैं कि एज पर प्लान काम हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है, अब काम हुआ नहीं है तो फिर गलती ढूंढी गई. गलती ढूंढी गई तो ये चीज पाई गई, उसका सॉल्यूशन ये है. अब क्या बोला था उसने? आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड. कौन से फंक्शंस हैं? फंक्शंस जो परफॉर्म हुए हैं वो स्टाफिंग और कंट्रोलिंग है. कंट्रोलिंग होता है चेक करना कि काम हुआ है या नहीं हुआ है एज पर प्लान, और स्टाफिंग तो हो ही रहा है. नेम द कॉन्सेप्ट एंड इट्स सोर्स यूज्ड. लोगों को ढूंढने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट बोलते हैं. कौन सा सोर्स है? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज. एक्सटर्नल सोर्स है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज आप लिख सकते हो. द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड आर स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग. रिक्रूटमेंट यहाँ पे यूज हो रहा है. इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स. ठीक है,
वैल्यूज की यहाँ पे कोई बात नहीं है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, रिक्रूटमेंट का कौन सा सोर्स है ये भी लिखाना आप एग्जामिनेशन में, कौन सा है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रेजोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इज अ पब्लिशिंग कंपनी, किताब छापती है कंपनी, इट्स बुक ऑन बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12th इज इन ग्रेट डिमांड, काफी डिमांड में है, एज अ रिजल्ट द एम्प्लॉइज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर ऑलवेज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, काफी ज्यादा हरी में रहते हैं, रश में रहते हैं, डिमांड में किताब है उनकी, द एम्प्लॉइज हैव टू वर्क ओवर टाइम एंड इवन ऑन हॉलीडेज कैटर टू द डिमांड, मैनेजर्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर अंडर स्ट्रेस एज दे हैव टू हैंडल मोर देन टू टेरिटरीज, जो मैनेजर्स हैं वो काफी स्ट्रेस में रहते हैं, द वर्क स्ट्रेस हैज लेड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंगस्ट द एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स, काफी ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन आ चुका है एम्प्लॉइज में और मैनेजर्स में, नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड प्रॉपरली, कौन सा स्टाफिंग प्रोसेस का स्टेप है जो प्रॉपरली नहीं परफॉर्म करा गया, पहला ही, क्योंकि ओवरबर्डन हो ना आप, तो आपने एस्टिमेट ही नहीं करा सही से कि आपको कितने लोगों की जरूरत थी, आपने पहला ही स्टेप गलत परफॉर्म कर दिया, द एस्टिमेटिंग मैन पर रिक्वायरमेंट यही गलत हो गया, आप एस्टिमेट ही नहीं कर पाए सही कितने लोगों की जरूरत है आपको नहीं है, तो आपने पहला ही स्टेप गलत कर दिया और उसके बाद बोल रहा है अगले दो स्टेप्स बताओ, तो द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज नॉट बीन परफॉर्म प्रॉपरली इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको पता ही नहीं लगा कि कितने लोगों की जरूरत है, आप वैसे ही अंडर स्टाफ्ड हो, नीड ज्यादा की है, आप कम लोग काम कर रहे हो तो वो तो ओवरबर्डन होंगे ना, है ना। इसके बाद अगले दो स्टेप्स कौन से होते हैं, एस्टिमेटिंग के बाद रिक्रूटमेंट, देन सेलेक्शन, द नेक्स्ट टू स्टेप्स इमीडिएटली फॉलोइंग द स्टेप एज रिक्रूटमेंट, उसको डिफाइन कर दो लाइन में, और सेलेक्शन उसको डिफाइन कर दो लाइन में। क्वेश्चन नंबर 12, अल्फा एंटरप्राइज इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाटर गीजर्स, एक कंपनी जो क्या बनाती है, वाटर गीजर्स बनाती है, द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर विद फोर मेन फंक्शंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स, एज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ग्रू द कंपनी डिसाइडेड टू हायर मोर एम्प्लॉइज, कंपनी ने बोला अब डिमांड बढ़ रही है तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें यह पता लगता है कि आपको कितने लोगों की नीड है, लोड है, कितने लोगों की लोड है, नीड है, ये किससे पता चलता है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में वर्कलोड एनालिसिस से पता चलता है कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आंसर लिख के आएंगे, वर्कलोड एनालिसिस द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, भगवती एंटरप्राइजेज इज अ कंपनी एंगेज्ड इन मार्केटिंग ऑफ एसीज बनाती है, द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, फिर से फंक्शनल स्ट्रक्चर है जिसके मेन फंक्शन है परचेज, सेल्स, फाइनेंस, एज अ डिमांड ऑफ, बिल्कुल सेम है यार, ये तो बिल्कुल सेम है, बस क्या है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन अवेलेबल so that they could decide and recruit the required number of persons, मतलब ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि अभी कितने लोग हैं, कौन से कॉन्सेप्ट से पता लगेगा, वर्क फोर्स एनालिसिस से पता चलता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, आपको बोल रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच इज मेंशन्ड अबव, इस केस स्टडीज में कुछ स्टाफिंग के स्टेप्स हैं वो बताने हैं, कैरव एस्टैब्लिशेस अ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इन रामपुर, KPO सेटअप करा है, बेसिकली आउटसोर्सिंग बाहर के लोगों के लिए काम करते हैं, द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हर फर्म इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग इन द फील्ड सच एज फाइनेंशियल मार्केट्स, मेडिसिन, एनिमेशन, डिजाइंस, etc, ठीक है। कैरव थिंक्स दैट द सक्सेस ऑफ द कंपनी, ये थिंक्स है सोचना, THINKS, थिंक्स दैट द सक्सेस ऑफ द कंपनी कैन बी अचीव्ड mainly through the people it chooses to employ, ये बोल रहा है कि success उन लोगों से होती है जो आपके यहाँ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। Therefore he aims to attract the best people and provide them immeasurable opportunities to enhance their knowledge, उसने बोला कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को attract करूँ और उन्हें बढ़िया अपॉर्चुनिटीज दूं ताकि उनकी नॉलेज बढ़े, स्किल बढ़े, टू स्किल रेलेवेंट टू देयर पोजीशन। कौन से ऐसे तीन स्टेप्स हैं जो यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले बात हुई है कि लोगों को अट्रैक्ट करना, उनकी नॉलेज बढ़ाना, उनको सेलेक्ट करना, तो तीन स्टेप्स कौन कौन से आए हैं, रिक्रूटमेंट सबसे पहले, नंबर दो सेलेक्शन,
नंबर 3 प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, नंबर 4 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सारी चीज़ें ये लाइन बाय लाइन ही होगी ऑब्वियसली। तो पहले आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, रिक्रूटमेंट करने के बाद आप उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो ताकि उनकी नॉलेज स्किल बढ़ सके। आप ट्रेनिंग तक चले गए हो तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन होगा, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन होगा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या आता है जी हमारे पास। हरीश द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर स्टफ्ड टॉयज फॉर यूटिलाइजिंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन ऑफ हिज गारमेंट फैक्ट्रीज। इसने बोला कि मेरी गारमेंट फैक्ट्री में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल आता है तो मैं स्टफ्ड टॉयज बनाता हूँ। स्टफ्ड होता है टेडी बियर वगैरह, जिसमें वो स्टफ होता है ना, सामान भरा होता है। ही डिसाइडेड दैट दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल बी सेटअप इन रूरल एरिया सो दैट पीपल ऑफ दैट एरिया विल हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। फॉर दिस ही सेलेक्टेड रहमान, अनीता बैनर्जी, हरप्रीत कौर एंड उमेश, अ डिफरेंटली एबल्ड बट इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव पर्सन एज द हेड ऑफ सेल्स अकाउंट्स परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स रिस्पेक्टिवली। आइडेंटिफाई द स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स दैट हरीश हैज टू फॉलो इन स्टाफिंग प्रोसेस आफ्टर सेलेक्टिंग द हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उसने सेलेक्शन कर लिया है, ठीक है, उसने क्या करा है यहाँ पे, सेलेक्शन कर लिया है, क्योंकि उसने रहमान, अनीता, हरप्रीत और उमेश इन चारों को हेड बनाया है सेल्स का। रहमान को सेल्स का, अनीता को अकाउंट्स का, हरप्रीत को परचेज का और उमेश को प्रोडक्शन का। उसने सेलेक्शन कर दिया। अब बोल रहा है कि सेलेक्शन के बाद कौन से 3 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगले 3 स्टेप्स होंगे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, नहीं यहाँ पे तो स्टाफिंग की बात हो रही है। तो सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट होगा, फिर रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कर लिया उसने, सिलेक्शन के अगले 3 पूछ रहा है, तो अगले 3 ये वाले होंगे। ठीक हो गया, वैल्यूज वगैरह हमें बतानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेम द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस रिगार्डिंग विच द कंपनी डिसाइड टू टेक एक्शन। कौन सा स्टेप है जो यहाँ पे डिस्कस करा गया है। मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड अप्रोच्ड अ वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी इन द सिटी ऑफ मदुराई टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सनल फॉर वेरियस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जॉब्स। दे सेलेक्टेड तान्या, ऋतु, गरिमा एंड चेतन। उन्होंने सेलेक्ट करा तान्या को, ऋतु को, गरिमा को और चेतन को फॉर वेरियस वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर द सेलेक्शन एंड प्लेसमेंट, सेलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट हो गया, मोगा इंडस्ट्रीज फेल्ट द नीड टू इंक्रीज द स्किल्स एंड एबिलिटीज। उन्होंने कहा स्किल्स, अब प्लेसमेंट तो कर दिया, अब इनकी स्किल्स और एबिलिटीज बढ़ाने का टाइम है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर जॉब्स बेटर। द कंपनी ऑल्सो रियलाइज दैट लर्निंग न्यू स्किल्स वुड इम्प्रूव द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज एंड हेंस द कंपनी डिसाइडेड टू टेक एन एक्शन फॉर द सेम। कंपनी ने बोला हम एक एक्शन लेंगे ताकि इनकी स्किल्स डेवलप हो पाए, इनकी ग्रोथ हो पाए। कौन से एक्शन की बात हो रही है, किस चीज़ से स्किल्स डेवलप हो पाएंगी। सीधा सीधा आंसर आएगा इसका क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेम द बेनिफिट्स ऑफ द एक्शन। तो स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द नॉलेज एंड स्किल्स। इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड दम इन एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज, इट हेल्प्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी। आ जाइए, साहिल द डायरेक्टर ऑफ गारमेंट्स कंपनी इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर बैग्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फॉर वन ऑफ हिज गारमेंट यूनिट। बिल्कुल सेम टू सेम ये ऊपर हो चुका है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या आप खुद ट्राई करना ये वाला केस स्टडी। ये लो जी, बिल्कुल सेम ऊपर हो चुका है, ये आपको आना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्या है, आ जाओ फटाफट से। Identify the step that has been performed by Vandana Public School. Vandana Public School ने कौन सा step perform करा है। Vandana Public School has a vacancy of maths teachers. Math teacher की vacancy है। They were looking for a smart and creative teacher having a drive for excellence. An advertisement was given in all the leading dailies. मतलब newspapers में दिया गया है। Since the response was huge, बहुत बड़ा response था, the school examined all the application forms and rejected the candidates who did not have the necessary qualification. Form देख के ही reject कर दिए कुछ लोग, form देख के rejection हो रहा है। अच्छा, thereafter a test was conducted, एक test करा गया to measure the existing skills. Existing skills के लिए कौन सा test होता है, सोच के रखो। After that it was followed by a in-depth conversation. फिर conversation हुई, यानी पहले preliminary screening हुई, फिर test हुआ, फिर conversation हुई।
विद द प्रिंसिपल एंड अ पैनल ऑफ मैथ एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई द स्टेप्स दैट हैव बीन परफॉर्म्ड. कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करे गए हैं, गिव द नेम एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ टेस्ट विच वॉज कंडक्टेड. सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हुई है, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट हुआ है, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हुआ है, पूरा डिफाइन करना. उसके बाद कौन सा टेस्ट कंडक्ट करा गया था, एग्जिस्टिंग स्किल्स के लिए ट्रेड टेस्ट कंडक्ट होता है, उसके बारे में डिफाइन आपको कर देना है. इस तरीके से आपको आंसर बना के आने और परफेक्टली लिख के आने हैं. मुझे पूरी उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे हो, सारे आंसर्स आ रहे हैं आपको. चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला केस स्टडी. न्यू रेंज इज अ चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स इन इंडिया विद 56 आउटलेट्स. पूरा चेन है, 56 आउटलेट्स हैं. It sells the best products at the lowest price. The HRD takes care to select, train, motivate and retain the employees. अब आ गया ना, देखो select करना, retain करना, train करना, staffing की बातें हो रही है. Currently it has 170 full-time employees and 30 part-time employees. ठीक है. For top-level management, employees are recruited through private consultants. Private consulting agencies के through होती हैं. These professional recruiters can entice the needed top executives from other companies by making the right offers. ठीक है. Employees appointed at the entry level are recruited through walk-in. Walk-in का मतलब आके इंटरव्यू देते हैं वो लोग. उसके बाद employees appointed at the entry level, ये तो हो गया. For that a notice is placed on the notice board. एक नोटिस लगाया जाता है. ऊपर वाले तो प्लेसमेंट एजेंसी से हो गए, ये नोटिस से. नोटिस वाला कौन सा था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. ठीक है. By specifying the details of the job available. New range also encourage present employees और देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू रेफर कैंडिडेट्स. रेफर कैंडिडेट वाला क्या था, रेफर हो रहा है, एक एम्प्लॉय दूसरे को रेकमेंड कर रहा है, रेकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज. दे ऑल्सो विजिट सम ऑफ द रिप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू हायर सम ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स. अच्छा, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, यानी कैंपस रिक्रूटमेंट. न्यू रेंज शिफ्ट्स वर्क फोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट टू दोज वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इंस्टेड ऑफ लेइंग देम ऑफ. यानी कि ये लोग अगर कहीं पे ज़्यादा होते हैं ना, तो स्टाफ को ले ऑफ नहीं करते हैं, उनकी छुट्टी नहीं करते हैं, उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी इंटरनल रिक्रूटमेंट भी करते हैं. एक्सप्लेन द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज यूज्ड बाय न्यू रेंज. बहुत सारे मैंने आपको ऊपर बताए लाइन्स पढ़ पढ़ के, वही सब आपको लिखने हैं. जैसे एक्सटर्नल सोर्सेज में प्लेसमेंट एजेंसीज, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कैंपस रिक्रूटमेंट और इंटरनल में ट्रांसफ़र की बात हो रही है. आइए जी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, The workers of Vyam Limited are unable to work on new and high-tech machines imported by the company. कंपनी ने इंपोर्ट करी कुछ machines और worker नहीं काम कर पा रहे. To fulfill the increased demand, therefore the workers are seeking extra guidance from their supervisor. Supervisor से extra guidance ढूंढ रहे हैं. But the supervisor is already overburdened with frequent calls of workers. वो overburdened है. Suggest how the supervisor, by increasing the skills and knowledge of workers, can make them handle their work independently. कैसे हो सकता है, अब supervisor क्या करे, उनको किस तरीके से train करे. भाई मशीनें आई हैं, high-tech मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, मशीन कॉल पे तो समझा नहीं सकता वो, तो किस तरीके से मशीन के लिए उनको समझाया जाए, ट्रेन किया जाए. तो मशीन जब भी हाईटेक मशीन्स इन्वॉल्व हो तो ऑन द जॉब तो नहीं चल सकता, ऑफ द जॉब चलेगा. और ऑफ द जॉब में एक ही ट्रेनिंग मेथड है, वेस्टिब्यूल स्कूल. तो क्या लिख के आओगे, द सुपरवाइजर मे प्रोवाइड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू हैंडल देम हाईटेक मशीन्स. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब क्या है, अंडर दिस मेथड एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट्स दे विल बी यूजिंग बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्कफोर्स. अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्कफोर्स दिस इज usually done when employees are required to handle sophisticated machinery and equipments. तो मुझे पूरी उम्मीद है guys, आप लोगों को 20 questions बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आप बहुत अच्छे से सारी case studies कर पाए होंगे. इसके बाद मैं आपको कराता हूँ directing की case studies, staffing की आपको 20 sufficient है. इसके साथ मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस शीट्स ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, वो देख लेना. अब हम आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो में डायरेक्टिंग की केस स्टडीज़ की तरफ. तब तक इन्हें प्रैक्टिस करो और जितनी आप कर सकते हो वो करो, बाकी मैं सैम्पल लेवर कराऊंगा, उसमें परफेक्शन आ जाएगी. चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच.